आप देख रहे हैं TNB। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC की कुछ ट्रेनों को सात्विक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे वेजिटेरियन फ्रेंडली सफर को प्रमोट किया जा सके। वहीं इस बात की जानकारी सात्विक काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि SCI की ओर से दी गई है। विशेष रूप से धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले मार्गों पर चलने वाली ट्रेनों को SCI सात्विक सर्टिफिकेट देगा। हालांकि IRCTC की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई बयान सामने नहीं आया है। सातवें काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार इसके लिए उन्होंने IRCTC से हाथ मिलाया है, जिसके तहत धार्मिक स्थलों पर जाने वाली ट्रेनों में सिर्फ शाकाहारी खाना उपलब्ध कराया जाएगा। IRCTC के वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा के बीच चलती है, इसे सात्विक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके अलावा ITCTC ने दूसरे पवित्र स्थानों की ओर जाने वाली कुछ और ट्रेनों के लिए भी इसे प्रमाण पत्र को प्राप्त करने का फैसला किया है। सात्विक काउंसिल ऑफ इंडिया के अधिकारियों के अनुसार वाराणसी जाने वाली वंदे भारत ट्रेन की तरह ही 18 और ट्रेनों में ये सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाने की योजना है। सात्विक काउंसिल ऑफ इंडिया ने बताया कि सोमवार को IRCTC के साथ मिलकर सात्विक सर्टिफिकेशन स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। साथ ही शाकाहारी रसोई के लिए एक हैंडबुक भी डेवलप की जाएगी। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार न सिर्फ इस ट्रेन को सात्विक सर्टिफिकेट दिलाने की योजना है, बल्कि यात्रियों के लिए तैयार किए जाने वाले किचन, दिल्ली और कटरा में यात्रियों के लिए बने लाउंज और जिंजर होटल के एक फ्लोर को भी सात्विक सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाने की योजना है। साथ ही सात्विक अधिकारी ने ये भी कहा कि पर्यटकों में शाकाहारी लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो यात्रा के दौरान सिर्फ शाकाहारी भोजन और उसी तरह का माहौल भी चाहते हैं। देश और दुनिया की तमाम अपडेट के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।